अब ये लोग उसे अपने शहर में लेकर आते हैं। उसे जंगली जानवर के ऊपर लाद रखा था और उसके साथ टोकरी में वही छोटे छोटे बच्चे थे जो उस अंडे से निकले थे। ये आदमी इनकी दुनिया के लोगों को देखकर हैरान था, क्योंकि सभी लोगों की शक्ल एक जैसी थी जिन्हें पहचान पाना बहुत ही मुश्किल था, और सभी के चार चार हाथ थे। अब इसे नीचे उतारा जाता है, साथ ही वो बच्चे भी नीचे गिरते हैं और ये लोग अपने अपने बच्चे को पहचान कर उठा रहे थे जो आपस में लड़ रहे थे। तभी उनमें से एक दाना उसे घसीटता हुआ आगे लेकर जाता है और उसके हाथ और पैरों को खोलता है, लेकिन वो एक दानों के पास एक लॉकेट देखता है और उछल कर वो लॉकेट लेने जाता है। लेकिन उससे पहले ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं। तभी एक दानव इस दानव की तरफ आता है और दोनों आपस में दांत को भिड़ाकर लड़ने लगते हैं और इसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन वो उस लॉकेट को उठाने की कोशिश कर रहा था, शायद इस लॉकेट में कुछ ऐसा था जिससे अपनी दुनिया में जा सकता था। और यहाँ पर ये लोग उन्हीं छोटे बच्चों को अजीब से पानी में नहला रहे थे और इसे भी उसी पानी में नहलाते हैं। अब ये आदमी भी उनकी प्रजाति का बन चुका था। ये लोग इसे पानी पिलाते हैं, ये ऐसा पानी था जिससे ये उनकी भाषा समझ सकता था। और यहाँ ये दानव मस्ती कर रहे थे, तभी इनके बीच एक अजीब सा जानवर आता है। ये सभी दानव इस जानवर को मारने लगते हैं।